दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते के साथ में लिंक करा सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार के द्वारा जो भी स्कीम का फंड आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, वह आपके आधार कार्ड के थ्रू में आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसे में आपके आधार कार्ड का आपके बैंक खाते से लिंक होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक नहीं हो, ऐसे में सरकार की कोई भी स्कीम का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाता है। तो किस तरीके से आप ऑनलाइन ही अपने आधार कार्ड को बैंक खाते के साथ लिंक कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसी स्कीम के तहत आपके बैंक खाते में सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो इस वेबसाइट में आ जाने के बाद में आपको साइड में एक लिंक देखने को मिल जाएगा, चेक बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस। आपको सिंपली इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक पेज आप सभी के सामने ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है। इसके बाद में आप ये कैप्चा फिलअप करेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी, जिसे आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद में कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। तो अगर आपके बैंक खाते में आपका आधार कार्ड लिंक होगा तो कुछ इस तरीके से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक है या नहीं। अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं होता है तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिल जाता है। तो किस तरीके से आपको अपने आधार कार्ड को आपके बैंक खाते के साथ में लिंक करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको आपका कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है आधार बैंक लिंक एंड इसके बाद में आपका जो भी बैंक है उसे आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसके बाद इंटर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप तीन स्टेप में अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते के साथ में लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। इसके बाद में कैप्चा फिलअप करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है, जिसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी, जिसे आप फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपके आधार कार्ड को आपके बैंक खाते के साथ में लिंक कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आपका जो भी बैंक है आपको सिंपली यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में या फिर किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है आधार बैंक लिंक। इसके बाद में अपने बैंक का नाम आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है एंड अगेन अपना अकाउंट नंबर आपको इंटर कर लेना है। कैप्चा फिलअप करके टर्म एंड कंडीशन को आपको एग्री कर लेना है। इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे अगेन आपको अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे इंटर कर लेना होगा। इसके बाद में आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, जिसे आप वेरीफाई करके अपने बैंक खाते के साथ में अपने आधार कार्ड को सक्सेसफुली लिंक करा सकते हैं। अभी हमारे पास कोई भी बैंक खाता यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम आपको आगे का प्रोसेस नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है किस तरीके से आपको ऑनलाइन घर बैठे ही अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते के साथ में लिंक करना है, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते के साथ में लिंक करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको फिर से किसी एक नई वीडियो के साथ में।